campus has changed since your time? Campus building wise and structure wise is same. All my I have seen my classes. This was my staff room and the building is same. I like this building. ना मुझे बहुत पसंद था इसका जो look है और जो structure है वो same है. लेकिन maintenance और ये सब कुछ माशाल्लाह beautification वगैरह ये बहुत अच्छी हुई है. renovation वगैरह अब giving a fresh look ना when you enter here. After 43 years तो मैं आई हूँ लेकिन बीच में भी एक दो दफ़ा आई हूँ और वो time ऐसा था जब ये मुझे बहुत दुख हुआ था. बड़ा डाउनफॉल मैंने देखा बहुत वो था लेकिन माशाल्लाह अब जब आई हूँ तो आई एम सो हैप्पी कि मेरा अल्मा मैटर जो है वो इतना ग्रीन और इतना फ्रेश है और वो जो मेरी बिल्डिंग थी माशाल्लाह उसको बड़ा रेनोवेट किया हुआ है और ये एक लग रहा है कि ये एक जो है इंस्टीट्यूशन है जहाँ से टीचर्स डिवेलप होकर निकलते हैं और कुछ रिमार्केबल और ऑलमोस्ट 80% जो है वही बिल्कुल सेम है. सब वही याद आता है. हम यहाँ बैठ के लंच किया करते थे और यहाँ ये जगह खाली थी तो इस तरफ बहुत हम शरारतें भाग दौड़ खेलना कूदना सब कुछ करते थे. वी वर सो नॉटी लेकिन ये कि हमें डिसिप्लिन किया गया था. तो अब भी जो है वो टीचर जो है वो एकेडमिक साइड से प्रोफेशनली साइड से अच्छे आए हैं हमारे पास. तो लग रहा है कि वो जो डाउनफॉल था उसको कंट्रोल कर लिया गया है. आई एम हैप्पी कि ये एक इंस्टीट्यूशन अच्छा प्रोडक्ट दे रहा है. आपकी कोर्सेज को कंपेयर किया जाए मतलब लाइक 43 इयर्स बिहाइंड इन कोर्सेज को कंपेयर किया जाए रीसेंट कोर्सेज कंपेयर टू मेथोडोलॉजी बोथ. आपकी जो है ना टेक्निकली थोड़ी एडवांस है और हमारी डिसिप्लिनरी जो थी वो बहुत स्ट्रिक्ट थी. तो जब हम यहाँ जैसे भी आए हैं ना तो जब हम गए हैं तो टीचर बन के गए हैं. अब आपके पास जो है ना मतलब इतने सारे ये अप्लाइंसेज हैं गैजेट्स हैं ऑनलाइन टीचिंग है ये सब कुछ उस वक्त नहीं था. ऑल द सिलेबस डिसिप्लिन के बारे में बहुत था. इवन के वी कैन नॉट सिट जो है ना क्लास में ना हम पोस्चर ख़राब रख के हम टीचर आप टीचर बनने जा रही हैं आप ऐसे बैठेंगे. सो दिस इज के ट्रेनिंग बहुत स्ट्रिक्ट थी. व्हाट आर योर मेमोरीज एट दिस कॉलेज. मैं तो बहुत नोटी थी इतनी नोटी थी कि मैंने साल में सिर्फ एक छुट्टी की थी और उस दिन भी जो है ना नीचे से मैसेज आया था कि अर्जुमन से कहो कि ज़रा आहिस्ता बात करें. तो ये था कि मेरी मैं बहुत इन्जॉय किया. हमें टीचर्स ने बहुत सुधारा लेकिन हमने भी नहीं छोड़ा हर लिहाज से. हमारे यहाँ पे आउटिंग्स बहुत हुई थी और हम सर्कुलर ट्रेन में यहाँ से बैठकर पूरी कराची की सैर करके आए थे. इवन बच्चों की तरह जो 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 बच्चों का स्कैड्यूल होता है वही हमें दिया था क्योंकि हम प्राइमरी टीचर बन रहे थे. तो हमें जू की भी जू भी लेके गए थे और यहाँ जो है हम सारा दिन बच्चों की तरह खेलते थे. जैसे स्कूल में हमारा ब्रेक होता था तो हम जो जो स्कूल में खेलते थे वो यहाँ भी हम खेलते थे. तो बहुत अच्छा हमारा टाइम गया. क्लासरूम में तो हर टीचर की मेरे पे नज़र होती थी. मैं बहुत और मेरी हैंडराइटिंग अच्छी थी. हर वक्त मुझसे टीचर्स काम भी लेती थी और फिर मैं ये कहती थी जब मुझे डांटा है जब मुझे नोटिस आया था फिर मुझे काम के लिए क्यों बुला रही हैं. आपने जो है वो मेजर डिफरेंस क्या नोट किया है अब जीईसी हुसैनाबाद में और आपके जो 43 इयर्स पहले जो कॉलेज था इन टर्म्स ऑफ कोर्सेज इन टर्म्स ऑफ एटमॉस्फेयर. सबसे बड़ा ये नज़र आया कि 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन जो है ना नथिंग टू बी अ टीचर बट हियर यू ऑल्सो हैव गॉट एकेडमिक साइड ऑल्सो पॉलिश. इवन आपकी प्रोफेशनलिज्म तो है कि ऐसे पढ़ाना है ये करना है लेकिन एकेडमिक साइड आपकी वीक हो तो यू कैन नॉट बी अ गुड टीचर. सो यहाँ मैंने देखा कि आपका कंटेंट भी जो एकेडमिक कंटेंट था वो भी बहुत अच्छा. आई मस्ट सैल्यूट जिंदगी ट्रस्ट के टीचर्स को भी जिंदगी दी है टीचिंग ऑफ एजुकेशन को भी टीचर्स एजुकेशन को भी जिंदगी दी है और ये सारे एटमॉस्फेयर को भी इस काबिल बनाया है कि बच्चे खुशी से आएँ और पढ़ें. दिस इज़ योर आई थिंक लक्की कि जिंदगी ट्रस्ट ने जो है वो आप लोगों के लिए ये प्रोफेशन को इतना अच्छा करा है और अब आप इसको एक काबिल फ़ख्र टीचर बन के जा रहे हैं प्रोफेशन भी समझ रहे हैं.